वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। मध्य प्रदेश की राजनीति में सांप और नेवले वाले बयानों के बाद अब अजगर, मगरमच्छ और हिप्पो की एंट्री हो गई है। शिवपुरी जिले की पिछौर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी ही विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक केपी सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की तुलना अजगर, मगरमच्छ और हिप्पो से कर डाली है। ऐसी तुलना करने के पीछे भाजपा विधायक ने तीनों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दरअसल भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का कहना है कि उनकी पिछौर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय तक कांग्रेस के विधायक केपी सिंह काबिज रहे और विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों के भ्रष्टाचार हुए। पिछौर से विधायक रहे केपी सिंह भ्रष्टाचार के अजगर बन चुके हैं, तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मगरमच्छ और इनके ऊपर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हिप्पो हो गए हैं। ऐसे में अब समय आ गया है कि इन सभी के भ्रष्टाचार को देखते हुए चिड़ियाघर की जगह इन सभी को चंबल की गहराइयों में दफन कर दिया जाए। अगर ये तीनों पिछौर विधानसभा में आएंगे तो वहाँ के किसान और लोग इनका सड़े अंडे और टमाटर से स्वागत करेंगे। देखिए अभी क्या है कि कीड़े मकोड़ों पे इनने गाय डाल दी है, कीड़े मकोड़े पकड़ लिए हैं। मेन तो ये अजगर और ये मगरमच्छ तो बाकी है, अभी तो अजगर मगरमच्छ जितना खा गए हैं 30 साल में इनने खाया है, वो इनके गले में तो हाथ डाले खलक डाल के निकालना पड़ेगा इनका। किसान अजगर है केपी सिंह और गोविंद सिंह मगरमच्छ, अभी और भी हैं एप्पो वगैरह भी बड़े बड़े और हाथी उतरे छोटे, अरे दिग्विजय सिंह एप्पो है। हाँ तो ये सारे जितने भी हैं ना, ये जिनने हजम नहीं होने देंगे हम, हमारा कार्यकर्ता 28 तारीख को इनके खलक में से निकालेगा हाथ डालकर। हाँ चिड़िया नहीं, चम्मल की गहराई में दफन करेंगे इनको, चिड़िया में निकलेंगे। हाँ चम्मल की गहराई में दफन करेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक बड़ा बयान भी दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में पद रेवड़ी की तरह बांटे जाते हैं, मुझे भी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया था कि कोई भी पद ले लो तो मैं हेलीकॉप्टर दिया जाएगा और स्टार प्रचारक भी बना देंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता और सिपाही हूँ, पार्टी के साथ खड़ा रहा और आज पार्टी के लोगों ने ही मुझे विधायक बनाया है, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते केपी सिंह सहित अन्य लोगों को जेल जरूर जाना चाहिए। कांग्रेस में तो तुम अबे चले जाओ, कहा चाहिए तुम्हें ले आओ, जो तुम्हें चाहिए बोले लो, जाएगा नहीं। कांग्रेस में तो ऐसे फिर रहे हैं, ऐसे बट रहे हैं जैसे रेवड़ी बटती है। जैसे अब जी गोविंद सिंह भैया संभाल ले, केपी सिंह ही है, दुनिया भर को अरब अरब भैया घोटाला करता हुआ और नहर में। आपको भी चुनाव के टाइम कुछ ऑफर दिया था क्या पैसे का, रेवड़ी का? रेवड़ी का दिया था, पद का दिया था और हेलीकॉप्टर का दिया था। अच्छा, हेलीकॉप्टर देंगे और पूरे देश में घुमाएंगे और तुमको वो बनाएंगे क्या, वो नहीं स्टार प्रचारक। हमारे त्योहार स्टार प्रचारक धल्लो अपने मामे जिम में और चम्मल की जाएगा नदी में पटक दो, हमें ना चाहिए तुम्हारा स्टार प्रचारक। हमें तो भाजपा कार्यकर्ता बन गए और कार्यकर्ता रहने भाजपा में ही रहने। और फिर आपकी जीत भी हो गई, देख लो ये कार्यकर्ता खड़े मेरे आग सब शोर के देख लो। केपी सिंह को लेकर क्या शिकायत करेंगे कहीं पे? शिकायत नहीं, हम तो 28 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं, इनने 30 साल में वो किया है पिछोर के जनता के साथ, इतना धोखा किया है कि गिफ्ट में कौन सी गाड़ी मिली है, 2 करोड़ वाली है, 4 करोड़ वाली लैंड रोवर तो गिफ्ट में मिली है, बताओ हमें और नदी के। और पूरा किसानों का पैसा देखिए आप, किसानों का तो भाई इतना इनने दुरुपयोग किया है कि किसान तो इतना नाराज है कि अब इनको स्वागत करेगा सड़े अंडों से और सड़े टमाटरों से स्वागत करने वाले हैं। अरे स्वागत होगा इनका, पकवाएंगे नहीं माला पहनाएंगे इनको, सड़े अंडों की और सड़े टमाटरों की नहीं होगा पिछोर में ही। जेल भेजने की तैयारी, बिल्कुल जाना चाहिए ऐसे लोगों को जेल, जिन्हों किसान लोगों का इनने अन्नदाता है हमारे देश का किसान, और अन्नदाता का ये पैसा खाया है और अपन 4 करोड़ की गाड़ी में घूमे हैं, तो बताइए कि कितना बड़ा घोटाला है और कितना बड़ा हाथ हुआ होगा किसानों को, जो किसानों की छाती पे मूंग दल्ला है, सोचिए अब लेकर। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के उस बयान पर भी पलटवार किया है, जिसमें गोविंद सिंह ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने ही संविधान के विपरीत गई और 500 से 1000 लोगों की कार्यकारिणी बनाई जिसका नुकसान हुआ है, जिस पर प्रीतम लोधी ने कहा कि ये सभी लोग चंबल की गहराइयों में दफन हो चुके हैं, दिन में कितनी भी जेसीबी लगाओ ये बाहर निकलने वाले नहीं है, इनकी प्रदेश और देश में कोई भी सीट नहीं आने वाली, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे और अंगूर के लिए उचकने वाली लोमड़ी जैसी हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, जब नहीं मिलेंगे तो कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और अगले 25 साल तक ढूंढने पर भी नहीं। अरे भैया ये तो क्या है कि चमली गहराइयों में दफन हो चुकी है, ये
अब इनमें चाहे तुम कितनी भी वहां रेत निकालने का जैसी भी लगा दो, अब ये निकलने वाले नहीं है। एक भी सीट नहीं आ रही इनकी, न तो प्रदेश में आ रही ना उत्तर प्रदेश में आ रही। अब तो ये क्या है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। वो एक अंगूर के लिए चक रही थी ना लोमड़ी, जब नहीं मिले कह लिया यार खट्टे अंगूर हैं। सो अब तो ये दशा हो गई है कांग्रेस की कि ये बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और नामो निशान मिट गया कांग्रेस का। अब ये ढूंढना नहीं मिलेगी तुमको 25 साल तक। तो भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का बयान सामने आते ही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह और केपी सिंह के ऊपर प्रीतम लोधी द्वारा जो उंगलियां उठाई गई हैं, वह साबित करती हैं कि शिवराज जी की सरकार के समय कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। मोहन यादव जी की 6 महीने की सरकार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ तक कि उमा भारती की सरकार के समय भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए कभी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्वयं प्रीतम लोधी के ऊपर 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई। प्रीतम लोधी जी कुछ भी कह सकते हैं, वे भागवत आचार्य को भी अपशब्द कह चुकी हैं। इस समय उनका और भारतीय जनता पार्टी का घमंड और अहंकार चरम पर है। आने वाले समय में उनका यह अहंकार और घमंड जल्द ही टूटेगा। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय केपी सिंह जी, आदरणीय गोविंद सिंह जी के ऊपर प्रीतम लोधी जी द्वारा जो उंगलियां उठाई गई हैं, वह यह साबित करती है कि शिवराज सरकार के समय कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। मोहन यादव जी की 6 महीने की सरकार के समय कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यहां तक कि उमा भारती जी की सरकार के समय भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए कभी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्वयं प्रीतम लोधी जी के ऊपर 60 से ज्यादा आपराधिक केस लग चुके हैं, उन पर भी कार्रवाइयां नहीं हुई। प्रीतम लोधी जी कुछ भी कह सकते हैं, वे भागवताचारों को भी अपशब्द कह चुके हैं। इस समय उनका और भारतीय जनता पार्टी का घमंड और अहंकार चरम पर है, आने वाले समय में उनका ये अहंकार और घमंड जल्द ही टूटेगा। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने बताया कि पिछौर विधानसभा में 28 मई को एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय किसान और लोगों के जरिए पिछौर विधानसभा क्षेत्र में नहर सहित अन्य विकास कार्यों के नाम पर हुए भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि कई सालों बाद कांग्रेस के कब्जे वाली पिछौर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री केपी सिंह अंगद के पैर की तरह इस पिछौर विधानसभा सीट पर विधायक बनकर जमे हुए थे, लेकिन 2023 में बीजेपी ने जीत दर्ज की और प्रीतम लोधी विधायक बने। जब से वह लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के भ्रष्टाचार को खंगालने में लगे हुए। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।